केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत यहां कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने फुट ओवर ब्रिज, रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधा में फूड कैंटीन, टिकट विंडो और प्लेटफॉर्म पर रेलवे कोच, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, फुट ओवर ब्रिज, दो नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर छाया सेट का विस्तारीकरण के साथ अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के 5 रेलवे स्टेशन टीकमगढ़, छतरपुर, हरपालपुर, निवाड़ी, ओरछा, अमृत भारत आदर्श स्टेशनों में शामिल हैं। इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इन सभी 5 स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए बोगी डिस्प्ले बोर्ड के साथ विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 5 स्टेशनों को संसदीय क्षेत्र के अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में इनको शामिल किया गया है और उसी योजना के अंतर्गत स्टेशन में प्लेटफार्म के शेड का विस्तारीकरण, दो नंबर प्लेटफार्म का निर्माण और उसमें फुट ओवर ब्रिज और यात्री सुविधाओं की दृष्टि से और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जिसमें कि यात्रियों का सुविधा का सामना न करना पड़े। टिकट विंडो पर काफ़ी यहाँ पर भीड़ पड़ती है तो टिकट विंडो और आरक्षण की विंडो को दोनों को अलग अलग किया जाए जिससे कि जब ट्रेन आती है तो यात्रियों को उसी समय कोई टिकट लेने वाला है और उस समय आरक्षण कराने वाला है तो परेशानी का रिजर्वेशन वालों को और उनको दोनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इस संबंध में रेल विभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई है कि इस अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में टिकट विंडो को और रिजर्वेशन की विंडो को उनको दोनों को अलग अलग किया जाए।